Hi there, welcome to another video of the Phaser course. This is lecture number 7. इस लेक्चर में हम देखेंगे एनिमेशन के बारे में कि हम किस तरह एनिमेशंस बना सकते हैं अपनी गेम के अंदर और हम उसको किस तरह एनिमेशंस को यूज़ कर सकते हैं, किन पर्पस के लिए हम कौन कौन सी एनिमेशंस बना सकते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ एनिमेशन. एनिमेशन क्या है कि एनिमेशन इज़ द पावर टू ब्रिंग द स्टोरीज एंड करेक्टर्स टू लाइफ. ठीक है, यानी कोई भी चीज़ है उसको अगर हमने मूव करवाना है या कोई भी चीज़ यानी उसको उसमें कुछ चेंज लेके आना. ठीक है, सो एनिमेशन क्या ना, एनिमेशन इज़ द नेम ऑफ द चेंज. ठीक है, कोई भी जो चेंज आ रहा है ना किसी एक चीज़ के अंदर, हम कहते हैं कि वो एनिमेट हो रही है. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो हमारे पास एक बॉक्स है वो एक पोजिशन से दूसरी पोजिशन में जा रहा है, तो हम कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, एनिमेट हो रहा है. ठीक है, इसी तरह अगर बर्ड जो है वो फ्लाई कर रहा है तो हम कहते हैं कि बर्ड जो है वो एनिमेट हो रहा है. ठीक है, सो ये होता है हमारे पास एनिमेशन. ठीक है, सो जिस तरह हमारे पास कोई आइटम है, कोई मूव कर रही है तो वो एनिमेट कर रही है, कोई ऑब्जेक्ट है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है तो वो एनिमेट हो रहा है. ठीक है, प्लेयर है वो वॉक कर रहा है तो वो भी एनिमेट हो रहा है. ठीक है, सो इस तरह हमारे पास जो है ना डिफरेंट टाइप्स की जो है ना एनिमेशंस बन सकती हैं. ठीक है, यानी जो भी चीज़ आप चेंज करेंगे एक डिफरेंट टाइप की हमारे पास एनिमेशन बन जाएगी. ठीक है, यानी अगर मैं स्केल चेंज करता हूँ तो वो मेरे पास स्केल की एनिमेशन बन जाएगी. ठीक है, इसी तरह अगर मैं पोजीशन चेंज करता हूँ, मैं फ्रेम चेंज करता हूँ, मैं ओपेसिटी चेंज करता हूँ, विजिबिलिटी चेंज करता हूँ, या मैं रोटेशन चेंज करता हूँ, या अगर मेरे पास कोई टेक्स्ट है तो उसके अंदर से मैं यानी अगर मेरे पास कोई टेक्स्ट है ऑब्जेक्ट मैंने ऐड किया है तो उसके अंदर से मैं टेक्स्ट चेंज करता हूँ तो वो टेक्स्ट एनिमेशन बन जाएगी. तो इस तरह हम कुछ को कंबाइन करके भी एनिमेशंस बना सकते हैं. यानी कोई एनिमेशन ऐसी भी हो सकती है जिसमें मैं स्केल भी चेंज कर रहा हूँ, पोजीशन भी चेंज कर रहा हूँ, ओपेसिटी भी चेंज कर रहा हूँ. ठीक है, सो ये होता है हमारे पास एनिमेशंस. ठीक है, एनिमेशंस में क्या होता है कि हम बेसिकली बस चेंज लेके आ रहे होते हैं उसकी उस ऑब्जेक्ट की किसी ना किसी एक प्रॉपर्टी के ऊपर या एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ के ऊपर. ठीक है, सो जब हम एनिमेशंस बनाते हैं तो एनिमेशन में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास होती है स्प्राइट और इमेज. ठीक है, स्प्राइट और इमेज जो है ना इन दोनों में डिफरेंस है. स्प्राइट क्या है, स्प्राइट ये है कि हमारे पास ये भी इमेज ही होती है. ठीक है, लेकिन इसमें ये डिफरेंस है, इसके ऊपर हम एनिमेशंस जो है ना वो प्ले कर सकते हैं. ठीक है, ये डायनामिक होती है. इसमें क्या होता है कि मल्टीपल इमेजेस को हम कंबाइन करके उसके एक इमेज के अंदर जो है डिफरेंट जो फ्रेम्स होते हैं उन सब फ्रेम्स को हम प्ले कर सकते हैं यूजिंग दी स्प्राइट. ठीक है, यानी फेजर के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है दिस डॉट एड डॉट स्प्राइट, दिस डॉट एड डॉट इमेज. अब अगर आप इमेज यूज़ करेंगे ना तो वो तो 100% स्टैटिक इमेज होगी. ठीक है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसको आप खुद चेंज करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन आप उसके ऊपर एनिमेशन प्ले नहीं कर सकते, तो जो फेजर की तरफ से प्रोवाइडेड होती है. ठीक है, अगर आपने एनिमेशन प्ले करनी है तो उसके लिए आपको स्प्राइट यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है, स्प्राइट जो है वो स्पेसिफिकली एनिमेशंस के लिए ही बनाई गई है. ठीक है, यानी अगर आपके कोई बैकग्राउंड एलिमेंट्स हैं तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, उसके लिए आप इमेज यूज़ करोगे, क्योंकि वो स्टैटिक होते हैं, उन्होंने चेंज नहीं होना होता. ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई करेक्टर है वो वॉक कर रहा है या इस तरह की आपने एनिमेशन उसके ऊपर प्ले करनी है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, स्प्राइट यूज़ करोगे. ठीक है, सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट इन कोड. सो ये हमारा प्रीवियस कोड है जिसमें हमने इवेंट्स के बारे में देखा था कि किस तरह हम डिफरेंट इवेंट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस तरह हम एनिमेशंस जो है ना वो ऐड कर सकते हैं. ठीक है, अब एनिमेशंस जो है ना ये हमारे पास दो तरह की एनिमेशंस आ जाती हैं. एक तो ये है कि हम एनिमेशंस बना रहे हैं अपने फ्रेम्स को यूज़ करके. फ्रेम्स क्या होता है, फ्रेम ये होता है कि कोई भी एक टेक्सचर है ना उसके जो डिफरेंट फ्रेम्स है ना, जो डिफरेंट उसकी जो चेंज अब होता है ना कोई भी चीज़. ठीक है, यानी अगर बर्ड है, बर्ड एक फ्लाई कर रहा है. ठीक है, तो उस फ्लाई करने की जो एनिमेशन है, ठीक है, उसके जो जो उसके पंख जो होंगे वो जो ऊपर नीचे हो रहे होंगे. ठीक है, तो वो क्या होगा, वो हमारे पास उसके डिफरेंट फ्रेम्स होंगे. ठीक है, जिस तरह ये मेरे पास एक इमेज है, ठीक है, ये बर्ड है. ठीक है, सो इसके ये मेरे पास ना डिफरेंट फ्रेम्स हैं. ठीक है, हर फ्रेम में कुछ ना कुछ जो है ना वो थोड़ा बहुत चेंज हुआ हुआ है. ठीक है, जिस तरह अभी पहला था तो वो पंख ऊपर था फिर नीचे, तो अगर हम सबको इन सब फ्रेम्स को इकट्ठा प्ले करें तो वो एक बर्ड जो है वो उड़ने की एनिमेशन हो जाती है. ठीक है, सो एक तो एनिमेशन होती है हमारे पास इस तरह की जिसमें हम फ्रेम्स चेंज करते हैं. ठीक है, सो इनको प्ले करने के लिए हम जो है ना वो एक डिफरेंट क्या होता है कि फेजर के अंदर एक एनिमेशन प्रोवाइड की जाती है जो हम स्प्राइट के ऊपर लगाते हैं. ठीक है, दूसरी एनिमेशन हमारे
बस कस्टम एनिमेशन होती हैं जो हम खुद बनाते हैं, यानी किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से मूव करवाना, दूसरी जगह पे लेके जाना, उसका स्केल वगैरह अप करना, ठीक है, इस तरह उसको कोई स्मूथ इफेक्ट्स उसके ऊपर ऐड करना, ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ट्विन। ठीक है, ट्विन क्या है, ये एक ना लाइब्रेरी है एनिमेशंस के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। सो इसको हम यूज़ करते हैं एनिमेशंस के लिए, ठीक है। सो ये जो है ना हम यूज़ करते हैं एनिमेशंस के लिए, ठीक है। सो इसमें जो है ना हम अपनी एनिमेशंस ऐड कर सकते हैं, तो देखते हैं, लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। सो इसके लिए आपके क्या करना है, सबसे पहले इसके लिए हमने क्या करना है कि दिस, ठीक है, दिस डॉट ऐड डॉट ट्विन, ठीक है। जब आप ट्विन करोगे ना, इसके बाद आप अपनी कोई भी एनिमेशन जो है ना वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब एनिमेशन आपने किस तरह ऐड करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एनिमेशन जो है ना, जिस तरह हम दूसरी चीज़ें ऑब्जेक्ट्स ऐड करते हैं, इसी तरह हम एनिमेशन ऐड करेंगे, लेकिन इसमें हम उसके कन्फिग्रेशन जो है ना वो सेट कर देंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ, ठीक है। सो अब क्या करना है हमने, जब एनिमेशन हमने बनानी है ना, तो सबसे पहले हमें टारगेट बताना है। टारगेट मतलब कि किस चीज़ को हम चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। टारगेट मतलब किस चीज़ के ऊपर हम ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं, यानी ये जो चेंज हम लेके आना चाहते हैं किसके ऊपर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ बीजी के ऊपर लेके आओ, ठीक है। उसके बाद अब क्या चेंज आपने लेके आना है, उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी चेंज करना चाह रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि स्केल उसका चेंज हो जाए, ठीक है। अभी स्केल जो है ना वो उसका 0.5, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि ये 0.0 जो है ना 7.5 हो जाए, ठीक है। अब इस चेंज को कितनी ड्यूरेशन लगे, ये ना ये उसी तरह ही है जिस तरह हम इवेंट्स ऐड करते हैं, ठीक है, टाइम इवेंट्स, जिस तरह दिस डॉट ऐड डॉट टाइम इवेंट, ठीक है, ऐड टाइम इवेंट्स, ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं दिस डॉट ऐड डॉट, ठीक है, दिस डॉट टाइम डॉट एड इवेंट, ठीक है। तो ये भी उसी तरह ही है, हम उसकी बस कन्फिग्रेशन इधर उसकी डिफरेंट कन्फिग्रेशन होती है, वो टाइम इवेंट्स हैं, ये हमारे पास एनिमेशन है, तो इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो हम सारी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे वन बाई वन, ठीक है। अब इसमें ड्यूरेशन बता देता हूँ कि ये जो चेंज करना है ना आपने, ये दो जो है ना 2 सेकेंड्स में आपने करना है चेंज इसको, ठीक है। अब मैं आता हूँ वापसी, तो आप इधर देख सकते हैं क्या इसने किया है कि इसने 2 सेकेंड के अंदर जो है ना उसका स्केल जो है ना वो अप कह दिया, ठीक है। फिर मैं हम ये भी ओपन कर लेते हैं, क्योंकि अगर एरर आएगा तो हमें इधर पता चल जाएगा, ठीक है। सो इसने क्या किया 2 सेकेंड के अंदर, तो अगर हम इसको दोबारा से रिफ्रेश करें तो ये 2 सेकेंड्स में उसने उसका जो है ना वो स्केल अप कर दिया, ठीक है। अगर आप फास्ट करना चाहते हैं तो इधर आप टाइम कम कर दें, ठीक है। सो ये उतनी जल्दी उसको जो है ना वो स्केल अप कर देगा, ठीक है। अब इसके अंदर आप कोई भी प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हैं, जो भी प्रॉपर्टीज़ इधर बीजी की प्रॉपर्टीज है ना वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ओपेसिटी करता हूँ, ठीक है, ओपेसिटी मैं 0.5 कर देता हूँ। मैं कहता हूँ जिस तरह स्केल अप हो उसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम हो जाए, या आई थिंक इसमें ओपेसिटी नहीं होती हमारे पास, ओपेसिटी नहीं, इसमें हमारे पास अल्फ़ा प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, ओपेसिटी को अल्फ़ा कहते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ हो गई हमारे पास अल्फ़ा, ठीक है। सब देखा कि अब ये थोड़ा सा डल हो गया, उसकी ओपेसिटी जो है ना वो कम हो गई, ठीक है। इसी तरह कोई और प्रॉपर्टी है हमारे पास, फॉर एग्जांपल उसकी एक्स की पोजीशन है, ठीक है। एक्स में हम क्या करते हैं, एक्स में हम 200 जो है वो कह देते हैं कि एक्स 200 पे चले जाए, ठीक है। अभी एक्स जो था ना वो 0 पे था रिलेटिव टू दी कंटेनर, ठीक है। कंटेनर तो 200 पे है ना, तो वो जो उसके अंदर बीजी था वो 0 पे था, ठीक है। अब बीजी को जब हमने 200 किया तो वो 200 पे चले गए, ठीक है। इसी तरह आप उसका वाई भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वाई मैं कह देता हूँ -50, ठीक है। -50 का मतलब ये है कि आप वाई को जो है ना वो -50 पे ले जाओ, ठीक है। अब अगर मुझे नहीं पता कि एक्स की अभी करंट पोजीशन क्या है, फॉर एग्जांपल अभी एक्स जो है ना वो 100 है, और मैं ये चाह रहा हूँ कि उसके अंदर 100 मजीद ऐड हो जाए, ठीक है। 100 क्या हो जाए, मजीद ऐड। एक तो ये हो सकता है मैं बी जी डॉट एक्स प्लस कर दूँ 100, ठीक है। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, मैं इसको एज अ स्ट्रिंग करके प्लस इज इक्वल टू ये चीज़ भी कर सकता हूँ, ठीक है। इसमें क्या करेगा, वो करंट पोजीशन में 100 ऐड कर देगा, ठीक है। अब 100 ऐड हुआ, पहले 200 हो रहा था, पहले तो वो 200 एक्स पे जा रहा ना, तो अब उसकी करंट पोजीशन में वो 100 ऐड कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद इसमें जो है ना डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो काफ़ी यूज़फुल होती हैं, ठीक है। जिस तरह हमारे पास एक रिपीट की प्रॉपर्टी है, रिपीट मतलब ये कि आप इस एनिमेशन को कितनी बार प्ले करना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ कि इसको जो है ना 10 बार रिपीट कर दो, ठीक है।
ये अब वो उसको 10 बार जो प्ले करेगा, ठीक है, टोटली जो प्ले करेगा ना वो उसको 11 बार प्ले करेगा, फर्स्ट टाइम वो उसको प्ले करेगा, उसके बाद 10 बार उसको रिपीट करेगा, तो टोटल जो है ना हमारे पास 11 बार ये प्ले होगी, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास। इस तरह हमारे पास और डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी हैं, रिपीट डिले, ठीक है, कितना आप डिले ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम या इवेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऑन कंप्लीट है हमारे पास जिस तरह, ठीक है। सो ऑन कंप्लीट का इवेंट कि जब ये बिल्कुल एनिमेशन एंड हो जाए तो फिर हमारे पास ये आ जाए एंड लिख के, ठीक है। और इसी तरह ऑन रिपीट, ठीक है, जब भी ये रिपीट करने लगे यानी रिपीट स्टार्ट हो तो ये चीज़ कॉल आउट हो जाए, ठीक है। तो कंसोल लो रिपीट, ठीक है। और ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। इस तरह और भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्टली जो है ना यही होती हैं, जैसे कि जो वो उसको बार बार कर रहा है कॉल, ठीक है। सो ये जब भी रिपीट होगा वो उसको कॉल करेगा। अब देखें, लेकिन ये रिपीट जो है ना वो 50 टाइम्स रिपीट हुआ है, ठीक है। अब इसका असल में क्या है कि ये जब भी रिपीट हो रहा होता है ना तो उसको वो कॉल करता रहता है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास और डिफरेंट भी प्रॉपर्टीज हैं, ऑन रिपीट, ऑन स्टार्ट है, ऑन स्टॉप है, ऑन पॉज है, ऑन लूप है। अच्छा, एक हमारे पास और एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है इसमें, यो-यो, ठीक है। यो-यो को अगर हम ट्रू कर देना तो इसका मतलब ये है कि जब भी आपने उसको एनिमेट करना है ना तो एंड करने के बाद वहीं से वापस शुरू पे आना है फिर, इस तरह ये चीज़। यानी यो-यो क्या करता है, उसको आगे पीछे मूव करवाता रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हमारे पास यो-यो में। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट इवेंट्स हैं और, अच्छा, अब इस तरह अगर मैंने एनिमेशन इसको प्ले किया है, ठीक है, अब मैं इस एनिमेशन को मैं करता हूँ लेट मूव एनिमेशन, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, एनिमेशन, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ यार ये एनिमेशन जो है ना ये स्टॉप हो जाए, ठीक है। मैं क्या करूँगा, पॉज, कॉस्ट इज इक्वल टू ट्रू, तो वो क्या करेगा इस एनिमेशन को प्ले नहीं, वैसे वो प्ले होगी लेकिन वो फ़ौरन ही पास हो जाएगी, ठीक है। सो इसको मैं कुछ टाइम के बाद भी पास कर सकता हूँ, दिस डॉट टाइम डॉट एड इवेंट, एड इवेंट, ठीक है। ये बेसिकली हम कुछ भी कर सकते हैं इसमें, यानी मैं कहता हूँ डिले करो 100 का ऑन कॉल बैक, ठीक है, और कॉल बैक के ऊपर जो है ना एनिमेशन को पास कर दो, ठीक है। कॉल बैक स्कोप जो है वो दिस, ठीक हो गया। अभी ये देखा, अभी 1 सेकेंड हुआ है, उसने उसको पॉज कर दिया, ठीक है। अब इसको बाद में हम कंटिन्यू भी कर सकते हैं, इसको फॉल्स कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ भी एक्शंस हो सकते हैं, लाइक अ प्लेयर शूट कर रहा है तो मैं एक एनिमेशन को पॉज कर देता हूँ, दूसरी एनिमेशन को मैं प्ले कर देता हूँ, तो इस तरह के हम जो है ना वो यूज़ इसके ले सकते हैं, ठीक है। सो ये तो हो गया हमारे पास बेसिक एनिमेशन, ठीक है। यानी बेसिक कोई भी सिंपल एनिमेशन है, कोई मैं चेंज लेके आ रहा हूँ, कोई ओपेसिटी चेंज कर रहा हूँ, पोजिशन चेंज कर रहा हूँ, स्केल चेंज कर रहा हूँ, कोई रोटेशन दे रहा हूँ, कुछ भी इस तरह की जो चीज़ करनी है ना वो ट्वीन के जरिए करते हैं, ठीक है। अब ट्वीन के अंदर एक और प्रॉपर्टीज है हमारे पास, ठीक है। सो वो ये है कि इसकी डिफरेंट टाइप्स एनिमेशंस की होती हैं, ठीक है। जिस तरह अभी ये जो करंटली चल रही है ना ये लीनियर होती है, ठीक है। इसको मैं चेंज करके क्यूबिक कर सकता हूँ, बाउंस कर सकता हूँ, बैक कर सकता हूँ, फॉरवर्ड कर सकता हूँ, इस तरह की डिफरेंट जो है ना वो मैं चेंज लेके आ सकता हूँ। इसको हम कहते हैं ईज। ईज मतलब ये कि ये जो चेंज आ रहा है ये किस कैटेगरी का चेंज है, ठीक है। यानी ये लीनियर चेंज है, डेल्टा जो है वो लीनियर है, या डेल्टा जो है वो कभी कम ज़्यादा या इस तरह की कोई चीज़ होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बाउंस है, ठीक है। बाउंस में क्या होगा कि ये जब ये एंड पे पहुंचेगा ना तो ये थोड़ा सा बाउंस करेगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ को बाउंस करवाएगा, ठीक है। ये देखें, ये क्या है, ये बाउंस हो रहा है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास बैक है, ठीक है। ये आप इंटरनेट पर देख सकते हैं कौन कौन सी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें, ठीक है। अब ये बैक जो है ना ये थोड़ा सा बाउंस से थोड़ा सा स्लो है, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास और भी डिफरेंट जो है ना वो है, क्यूबिक है फॉर एग्जांपल, ठीक है। सो मोस्टली हम जो यूज़ करते हैं वो यही है, बाउंस वगैरह या बैक वगैरह या इस तरह क्यूबिक या लीनियर, लीनियर बाय डिफ़ॉल्ट होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं हमारे पास, ठीक है, जो हम डिफरेंट यूज़ करते हैं, ओके।
सो ये तो हो गया बेसिक जो हम एनिमेशंस किसी भी चीज़ के ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आप पूरे कंटेनर पे लगा सकते हैं, किसी भी मैं दिस डॉट प्लेयर पूरे प्लेयर के ऊपर लगा सकता हूँ, ठीक है। किसी एक बैकग्राउंड पे लगा सकता हूँ, या इस तरह किसी भी एक चीज़ पे ऊपर लगा सकता हूँ, या सारी चीज़ों के ऊपर। अब इस तरह अगर मुझे टारगेट्स मल्टीपल करने हैं तो आई थिंक इधर मैं अरे भी पास कर सकता हूँ, दिस डॉट प्लेयर और बीजी, ठीक है। अब वो दोनों पे एनिमेशंस प्ले हो रही हैं, ठीक है। दोनों पे सेपरेट सेपरेट एनिमेशंस प्ले हो रही हैं, या मैं ये कर सकता हूँ प्लेयर की बजाय दिस डॉट एक बीजी के ऊपर और एक एफजी के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह यानी मल्टीपल चीज़ों के ऊपर अगर हमने सेम ही एनिमेशन प्ले करनी हो तो फिर हम ये वाला काम कर सकते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ हो जाती है हमारे पास, ठीक है। इस तरह कोई एनिमेशन अब एंड हो, उसके बाद एक नई एनिमेशन स्टार्ट हो, तो उसके लिए हम दिस डॉट विन डॉट ऐड कर सकते हैं। इस तरह डिफरेंट जो है ना वो हम एनिमेशन जो है ना वो बना सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये बर्ड जो है इसको हमने ऐड करना है और इसको हमने एनिमेट करवाना है, ठीक है। इसके हम डिफरेंट फ्रेम्स चेंज करने हैं, फ्रेम्स हम किस तरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इधर दिस डॉट बर्ड, ठीक है, मैं इधर दिस डॉट बर्ड डॉट इज इक्वल टू नल करता हूँ, ठीक है। हाँ, इनिशियल मैंने स्टार्ट ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सारे फ्रेम्स जो है ना इनको हम क्या कहते हैं, फ्रेम्स हैं। टेक्सचर मेरे पास क्या है, टेक्सचर मेरे पास बर्ड का टेक्सचर है, लेकिन फ्रेम्स इसके डिफरेंट फ्रेम्स हैं, ठीक है। तो फ्रेम क्या होता है, फ्रेम ये होता है कि ये टेक्सचर जो होता है हमारे पास, मेनली टेक्सचर बर्ड का टेक्सचर है, ठीक है। उसका जो एक हिस्सा होगा, जो एक उसका पार्ट है ना, वो फ्रेम है, ठीक है। डिफरेंट फ्रेम्स मिलके जो है ना एक एनिमेशन बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, ये सारे फ्रेम्स जो है ना मैं लोड कर लेता हूँ, फॉर की लूप लगा लेता हूँ, लेट आई इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। आई को मैं 1 से स्टार्ट कर देता हूँ, लेस देन में इक्वल टू कर देता हूँ 12 के, ठीक है। आई को मैं कर देता हूँ प्लस प्लस, ठीक है। दिस डॉट लोड डॉट इमेज, ठीक है। और इधर मैं करता हूँ बर्ड अंडरस्कोर, और मैं कर देता हूँ आई, ठीक है। और इधर मैं पाथ देता हूँ, ठीक है। ये हम सारे मैन्युअली भी कर सकते थे एक एक करके, तो उसमें ज़्यादा टाइम जो है वेस्ट होना था, ठीक है। तो बर्ड स्लैश, ठीक है, आई डॉट png, ठीक हो गया। अब ये सारी जो है ना फ्रेम्स जो है ना सारे लोड हो जाएंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कोई एरर वगैरह तो नहीं आ रहा, ओके, ठीक है, सारे हो गए। अब हम क्या करेंगे, दिस डॉट बर्ड इज इक्वल टू दिस डॉट एड डॉट। अब इस जगह पे ना, अब एक इमेज का ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। दूसरा हमारे पास है स्प्राइट का ऑप्शन, ठीक है। स्प्राइट हमने यूज़ करना है क्योंकि हम चाहते हैं कि अपने फ्रेम्स को चेंज करें, हम अपने जो बर्ड है उसके डिफरेंट हम क्या करें, डिफरेंट फ्रेम्स को जो है ना वो चेंज करके एक एनिमेशन प्ले करें, ठीक है। तो अब हम करेंगे ये, सॉरी, इसकी अब हम पोजिशन डिफाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अपना इधर टेक्सचर का जो है ना वो नेम बता देंगे, ठीक है। मैं कहता हूँ कि बर्ड _1, ठीक है। ये बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा पहला फ्रेम है वही मेरा अभी टेक्सचर बन जाए, ठीक है। इसको मैं लेके आता हूँ, ठीक है। बर्ड जो है काफ़ी बड़ा आ गया है, ठीक है। इसको मैं सेट स्केल कर देता हूँ डाउन 0.25, ठीक है। अब ये जो है ना बर्ड मेरे पास ऐड हो गया, ठीक है। इसको मैं अगर कम थोड़ा सा कर दूँ, ठीक है। अब ये बर्ड जो है ना मेरे पास क्या हो गया, ऐड हो गया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये बर्ड जो है ना एनिमेट करे, बर्ड जो मूव भी करे, ठीक है, और वो फ्लाई भी करता जाए, ठीक है। अब मैं उसको क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे ना एनिमेशंस बनानी पड़ेंगी, ठीक है। एनिमेशन बनाने के लिए क्या होता है, दिस डॉट एनिम्स, ठीक है, डॉट क्रिएट, ठीक है। अगर हमारे पास ऑलरेडी है तो हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम अब हमें क्रिएट करनी है तो हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हमने की डिफाइन करनी है, ठीक है। मैं कहता हूँ बर्ड जो है वो फ्लाई कर रहा है। उसके बाद मुझे फ्रेम्स डिफाइन करने हैं, ठीक है। फ्रेम में अरे लगाऊंगा, ठीक है। इधर मैं लिखूंगा की, ठीक है। इधर मैं लिखूंगा bird1, ठीक है। इसको मैं इस तरह करता हूँ, ठीक है। ये हो गया मेरे पास, ठीक है। अब मुझे जितने भी मेरे फ्रेम्स हैं ना वो सारे फ्रेम्स इधर लिख देने। अब मेरे कितने टोटल फ्रेम्स हैं, 12 फ्रेम्स हैं, ठीक है। वो 12 को 12 जो है ना मैं इधर लिख दूंगा, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास 11, और ये हो गया 12, ठीक है। और ये हो गया, ओके।
ठीक है, अब ये तो हमने फ्रेम्स डिफाइन कर दिए, उसके बाद हम फ्रेम रेट डिफाइन कर सकते हैं। फ्रेम रेट क्या है, ये हमारे पास है कि FPS, FPS ठीक है, यानी फ्रेम्स पर सेकंड, यानी हम कितने फ्रेम्स एक सेकंड के अंदर शो करवाना चाहते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि एक सेकंड के अंदर 30 फ्रेम्स जो, ठीक है। अब ये मेरी एनिमेशन बन गई, अब मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा दिस डॉट पर डॉट प्ले, ठीक है, और इस जगह के अंदर इसमें मैं अपनी एनिमेशन का जो है वो की बता दूंगा, बर्ड अंडरस्कोर फ्लाई। अच्छा, अब ये जो है ना, अभी हमने देखा दिस डॉट बर्ड डॉट, ये मेरे पास प्ले का फंक्शन आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ये स्प्राइट है। ठीक है, अब अगर मेरे पास ऊपर जो इमेज है BG, ठीक है, इसके अंदर मैं प्ले करूँ तो इसके अंदर प्ले का कोई भी फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए मैं इसीलिए यानी अगर आपने एनिमेशन बनानी है तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, स्प्राइट यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया, अब हम देखते हैं कि एनिमेशन प्ले हो रही है कि नहीं। अब आप देख सकते हो कि एनिमेशन प्ले हुई है, लेकिन वो प्ले होने के फ़ौरन बाद क्या होगी, एंड होगी। ठीक है, अब इस जगह पे हम आएंगे, इस जगह पे एक ऑप्शन है हमारे पास रिपीट, ठीक है, और रिपीट में हम लिखेंगे -1। अब -1 का मतलब क्या है, कि इसका मतलब कि इसको बार बार रिपीट करते रहो, इन्फिनिटी टाइम। ठीक है, इसी सेम चीज़ इधर भी है, इधर रिपीट मैंने बताया ना 10 टाइम्स रिपीट करो, लेकिन मैं अगर इधर लिख दूँ -1 तो इसका मतलब ये इन्फिनिटी टाइम तक इसको रिपीट करते रहो। ठीक है, तो अब देखना वो क्या करेगा, बर्ड को जो है वो फ्लाई भी होता जा रहा है बर्ड। ठीक है, अब अगर बर्ड को थोड़ा सा मुझे स्लो करना है, ये काफ़ी जो है ना फास्ट फ्लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसके फ्रेम्स जो है ना वो मैं कम करके 20 कर दूंगा। ठीक है, अब इस जगह पे मुझे ये नहीं मूव करवाना, मुझे मूव करवाना है दिस डॉट बर्ड, ठीक है, दिस डॉट बर्ड, ठीक है, और बर्ड को मुझे क्या करवाना है कि बर्ड को मुझे करवाना है कि एक्स जो है ना ये 400 पे लेके जाना है, उसकी ड्यूरेशन जो है वो 200 हो जाए। ठीक है, रिपीट -1 हो जाए, डिले जो है ना हो, और ये भी ना हो, ये चीज़ भी नहीं मुझे चाहिए। ठीक है, ये चीज़ भी मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, अब इसमें एक डिफरेंस, एक जो इशू जो आ रहा है वो ये है कि जब ये इस साइड बैक जब मूव करता है ना, मैं चाहता हूँ कि बैक पे वो फ्लिप हो जाए। ठीक है, तो इसका मैं क्या करूँगा कि ओन यो यो, ठीक है, ओन यो यो के ऊपर मुझे क्या करना है, लेट्स सपोज लेट फ्लिप इक्वल टू 0। ठीक है, सो मैं करूँगा कि इफ अगर ये क्या है फ्लिप, आई थिंक इस जगह पर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ दिस डॉट बर्ड डॉट सेट फ्लिप एक्स ट्रू, यस। ठीक है, सो अब अगर हम जाएं तो ये जब वापस आएगा तो इसको वो फ्लिप कर देगा, लेकिन जब दोबारा से स्टार्ट करेगा तो वो उसको फ्लिप बैक भी करना है हमें। ठीक है, सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि ऑन रिपीट, ठीक है, दिस डॉट बर्ड डॉट सेट फ्लिप एक्स वाई। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, बर्ड गया, सो ये काफ़ी हमारे पास एक स्मूथ एनिमेशन बन गई है। ठीक है, सो इसको मैं काफ़ी दूर तक मूव भी करवा सकता हूँ, मैं कहता हूँ 600 तक जाओ और 300 तक टाइम लगे, मे बी 700 रुपये, ओके। ठीक है, हो गया, सो अब मैंने क्या किया है कि इसको मूव करवा रहा हूँ, ठीक है, और उसके ऊपर मैंने क्या कर दिया है, एनिमेशन चला रही है। ठीक है, तो ये काफ़ी देखा काफ़ी जो है ना स्मूथ इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, इसका हम स्केल जो है वो मज़ीद कम कर देते हैं, बर्ड काफ़ी बड़ा लग रहा है हमारे पास। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि बर्ड जो है वो फ्लाई कर रहा है और उधर से मूव होके वापस आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह की जो है ना वो डिफरेंट एनिमेशंस जो है ना वो आप बना सकते हैं। ठीक है, इसमें मैंने तो सिंपल ये सिर्फ एक सिंपल सी एनिमेशन बनाई है कि बर्ड को सिंपल मैं बस मूव करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप कुछ भी अप एंड डाउन मूव करवा सकते हैं, उसको कर्व में मूव करवा सकते हैं, यानी इस तरह कुछ मूव करवा सकते हैं, ऐसे कोई कर्व कर्व टाइप बन जाए। ठीक है, पहले बर्ड को इस जगह पर मूव करवाओ, जब इस जगह पर पहुंच जाए फिर इस जगह पर मूव कराओ, फिर इस जगह पर मूव कराओ, फिर इस जगह पर मूव कराओ। ठीक है, फिर एंड पे जब इस जगह पर आ जाए फिर वही वापस उल्टा मूव करवाना शुरू करवा दो। ठीक है, सो
ये चीज़ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह के डिफरेंट जो इफ़ेक्ट्स हैं, डिफरेंट एनिमेशंस हैं, वो आप सारी बना सकते हैं इसको यूज़ करते हुए, ठीक है। ट्विन को और अपने डिफरेंट फ्रेम्स को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब अभी तो हमने देखा ना, ये सारे फ्रेम्स हम मैनुअली ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे फ्रेम्स क्योंकि हमारे पास सेपरेट थे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम स्प्राइट शीट को यूज़ कर सकते हैं। स्प्राइट शीट क्या होती है कि डिफरेंट फ्रेम्स हमारे पास एक ही इमेज के अंदर होती हैं, ठीक है। सो उस एक इमेज के से हमने डिफरेंट फ्रेम्स जो हैं वो कैप्चर करनी है, उन कैप्चर्स को हमने इस जगह पे पास आउट कर देना है और उससे हमारी एनिमेशन बन जानी है, ठीक है। इस वीडियो के लिए, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है कि हम किस तरह सिंपल एनिमेशंस बना सकते हैं और किस तरह हम ट्विन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ सीखा है, हमने देखा है किस तरह हम एनिमेशंस बना सकते हैं, किस तरह हम ट्विन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह हम अपने फ्रेम्स एनिमेशंस बना सकते हैं, किस तरह हम फ्रेम्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ट्विन के ऊपर हम कौन कौन सी टाइप्स की एनिमेशंस चला सकते हैं। क्यूबिक है हमारे पास लीनियर है, और हमारे पास बैक है, बाउंस है। सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर, लेट्स मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।